These areas are extremely cold as they are covered with ice and snow for most part of the year. In this chapter, we shall study about a typical icy land of the North Polar region that is Greenland. पोलर रीजन्स क्या होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा हमारे पास दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है तो ये जो रीज़न है ये हमेशा ठंडे रहते हैं आइस के साथ कवर रहते हैं तो इनको क्या कहते हैं पोलर रीज़न्स कहते हैं ऐसे ही पोलर रीज़न में एक कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रीन लैंड नाउ वट इज़ द लोकेशन ऑफ ग्रीन लैंड ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड है इट इज़ लोकेटेड टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईलैंड ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क इट इज ओनली सिक्सटीन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैनेडा केप जैसे द वर्ल्ड नर्दन मोस्टिप लाइज इन ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में ये लाई करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है

The land of Greenland is very rocky. Most of the land is covered with snow and ice across the year. The covering of ice is known as ice cap. The ice cap continues to move very slowly toward the ocean. At times, bits of ice caps break away from the main mass and fall down into the sea. These floating bits of ice caps are called icebergs. Icebergs are dangerous to the ships and as

मूव करते रहते हैं ओशियन की तरफ और किसी भी नेचुरल फिनोमिना के कारण कई बार ये आइस कैप जो हैं ये टूट जाते हैं और सी में सी में गिर जाते हैं सी में गिर जाते हैं तो ये पानी पर फ्लोट करने लग जाते हैं तैरने लग जाते हैं तो ये जो आइस कैप यानी कोई रोक जिस पर आइस जमी होती है जब वो फ्लोट करने लगती है उसको क्या कहते हैं आइस पर्ग कहते हैं लेकिन ये जो आइस पर्ग हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं शिप्स के लिए क्योंकि शिप्स जो हैं शिप उनसे टकरा जाता है और डूब भी सकता है जैसे कि 1912 में एक बहुत बड़ा शिप था बहुत फेमस लार्ज शिप था टाइटेनिक वो इसी वजह से पानी में डूब गया था ओके नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड क्लाइमेट कैसा है अब पूरे टाइम बर्फ से कवर रहता है तो क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड विंटर इज़ वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग द सन डज नॉट राइज अबाउ द हॉरिजन इन द आर्कटिक रीजन एंड देयर इज नो सनलाइट एट ऑल यहाँ कोई सनलाइट नहीं है यहाँ पर सन दिखाई नहीं देता दे फो विंटर रिमेन्स डार्क फॉर मंथ्स इसीलिए जो सर्दियों में क्या रहता है पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है बट ड्यूरिंग समर्स द सन कंटिन्यूस टू शाइन ब्राइटली

पोल्स पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है विंटर के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती तो पूरा टाइम क्या रहता है अंधेरा रहता है लेकिन जब समर्स आती हैं बहुत कम टाइम के लिए समर्स आती हैं समर्स में जो सन है वो पूरे टाइम शाइन करता रहता है इवन मिडनाइट जब होती है पूरे वर्ल्ड में जब 12 बजे होते हैं अंधेरा होता है तब भी जो ग्रीनलैंड है या पोलर रीजन पर जो कंट्रीज हैं वहां पर सन चमकता रहता है इसीलिए पोलर रीजन की कंट्रीज को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं ओके कम टू द फैक्ट फाइल अराउंड 90% परसेंट ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज अंडर वाटर वॉट यू यूजली सी इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने पढ़ा भी आइसबर्ग क्या होते हैं फ्लोटिंग आइस कैप्स होते हैं जो कि ओशियन में फ्लोट होते हैं इसमें आइसबर्ग का 90 परसेंट जो पार्ट है वो अंडर वाटर रहता है सिर्फ जो हमें दिखाई देता है वो थोड़ी सी उसकी टिप दिखाई देती है एंड ग्रीन लैंड हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री थर्टी किलोमीटर इट इज अबाउट इक्वल टू द सकम फेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर जो कि किसके इक्वल है ऑफ़ द अर्थ एट द इक्वेटर, ओके नाउ कम टू द वेजिटेशन क्या वहाँ वेजिटेशन ग्रो करती है नो बहुत पुअर प्लांट लाइफ है बिकॉज सनलाइट नहीं है हमेशा बर्फ पड़ती रहती है एंड ओनली स्मॉल प्लांट्स लाइक लिचेंस एंड मोसेस ग्रो दे आर यूज एज फोडर फॉर एनिमल्स सिर्फ छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं वहाँ जैसे कि लिचेंस एंड मोसिस जो कि एनिमल्स को जो लोग वहाँ रहते हैं बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन है जो लोग वहाँ रहते हैं वो एनिमल को क्या खिलाते हैं इन्हीं प्लांट का चारा खिलाते हैं लीचंस एंड मोस नाउ एनिमल्स लाइफ कैसी है वहाँ The animal life of Greenland is very rich. Animals that can tolerate extreme cold are found in enough numbers on this island. Animal life includes musk ox, polar bear, reindeer, Arctic fox, hare, squirrel, wolf. वोल्वरिंग एंड लैमिंग यहाँ पर सिर्फ वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं एंड ये जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर इनकी स्किन पर एक थिक वाम फर होती है जो इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्शन करती है एंड द रैनडियर इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल ऑफ द आईलैंड और यहाँ पर रैनडियर जो एनिमल है वो आई इस आईलैंड पर ग्रीन लैंड पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप देखोगे यहाँ पर किस टाइप के बर्ड और एनिमल मिलते हैं द आर्टिक टर्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड इन दर्ल्ड ड्यूरिंग विंटर दिस बर्ड फ्लाइज अराउंड सेवनटीन थाउजेंड किलोमीटर राइट अक्रॉस द इक्वेटर टू द साउथ पोल कितना जो ये बर्ड है आर्टिक टर्न ये बहुत इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है 17,000 किलोमीटर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ एंड ग्रीन लैंड हैज़ ऑल्सो सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स सील्स वॉल्सरस एंड सी बर्ड्स यहाँ पर कुछ एक्वेटिक एनिमल भी पाए जाते हैं नाउ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है लोग क्या काम कर सकते हैं देर इज नो बिग इंडस्ट्री इन ग्रीन लैंड द ऑनली इंडस्ट्री इज ग्रीन लैंड इज शिप बिल्डिंग द पोर्ट टाउन ऑफ होजेंटोबर हैज वेरी बिग शिप फिशिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ पर सिर्फ शिप बनती हैं ठीक है शिप बनने का कारखाना है और दूसरा लोग क्या करते हैं यहाँ पर फिशिंग करते हैं अर्लियर द पीपल ऑफ ग्रीन लैंड यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन स्लेजेस दीज स्लेजेस वर पुल्ड बाई हस्कीज और रेनडियर स्मॉल बोर्ड्स कोल्ड कायक्स एंड बिग बोर्ड्स कोल्ड एमिक्स वर यूज एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट दीज वर प्रिपेयर फ्रॉम द स्किन ऑफ स्किसल्स पहले जो लोग हैं वहाँ के क्या करते थे um, स्लेजेस यूज़ करते थे जिनको हस्कीज़ और रेनडियर पुल करते थे उसके बाद छोटी छोटी बोट बनाई छोटी और बड़ी बोट बनाई जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में वो यूज़ करते थे जो कि स्किन ऑफ सील एनिमल की बनी होती थी ओके यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है ओमियाक अ बिग बोट एंड क्याक अ स्मॉल बोट और हस्कीज़ जो स्लेजेज को पुल करते थे ओके कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट The native people of Greenland are called the Eskimos. Today, most of the Eskimos have got mixed with the Europeans and are called Inuits and Greenlanders. यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं एस्किमोस कहते हैं पिक्चर में आप देखो ग्रीनलैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको एस्किमोस कहते हैं लेकिन आजकल जो एस्किमोस हैं वो यूरोपियन पीपल के साथ मिक्स करके उनको क्या बोलते हैं इन्यट्स एंड ग्रीन लैंडर्स भी बोलते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइफ इन ग्रीनलैंड इज वेरी डिफिकल्ट पीपल विद येलोइश कॉम्प्लेक्शन आर शॉर्ट स्टेट they wear thick clothes made up of seal skin and fur to protect themselves from extreme cold both men and women wear hooded jackets called parkas पाकास यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अपने आप को ठंड से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए सील स्किन से या फर से बने हुए लोग कपड़े पहनते हैं और मैन और वेमेन जो हैं दोनों हुडेड जैकेट पहनते हैं जिनको पक्स बोलते हैं ड्यूरिंग विंटर मंथस एस्कीमोज लिव इन हाउसेज कोल्ड इग्लू दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो ओल्ड इग्लूज वर कंस्ट्रक्टेड विद ब्लॉक ऑफ आइस मॉडर्न मॉडर्न इग्लूज आर बिल्ट ऑफ वुड स्टोन्स और स्किन द एस्कीमोज कैन बिल्ड इग्लूज ओनली इन टू और थ्री फोर थ्री इर्स ड्यूरिंग समर द एस्कीमोज लिव इन टेंट्स बिल्ट बाई स्किन ऑफ एनिमल यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं इग्लू बोलते हैं पहले के जो इग्लू है वो आइस से बनते थे लेकिन अब जो इग्लू बनाते हैं वो वुड स्टोन और स्किन का यूज़ करके बनाने लगे हैं ओके okay, सिर्फ दो या तीन घंटे में इनका जो हाउस है वो बन जाता है ड्यूरिंग समर द एस्कीमोज लिव इन टेंट बिल्ट बाय स्किन ऑफ एनिमल समर के टाइम पर जब बर्फ़ से बने हुए घरों में वो नहीं रह पाते या नहीं वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है तो समर के टाइम में वो क्या करते हैं टेंट लगा कर रहते हैं जो कि स्किन ऑफ एनिमल का टेंट बना होता है द एस्कीमोज आर एक्सेप्ट हंटर्स एंड अर्लीयर दे यूज हरपूंस एंड स्पीयर्स टू हंट सील्स एंड फ़िश जो एस्कीमोस पीपल हैं ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं बहुत शिकारी होते हैं इनके पास बड़े बड़े हरपूंस एंड स्पीयर जैसे औजार होते हैं टूल्स होते हैं जिनको वो हंट करने के लिए सील और फिश को हंट करने के लिए यूज़ करते हैं दे ऑल्सो रियर डॉग्स कॉल्ड द हस्कीज और ये कुछ डॉग भी डोमेस्टिकेट करते हैं जिनको हस्कीज कहते हैं हस्की जो हैं वो उनको सील ढूंढने में मदद करते हैं द एस्कीमोज कंटिन्यू टू वेट फॉर आवर्स ऑन द मास ऑफ आइज टिल द सील्स फिशेज वॉलरस एटसेट्रा एपियर्ड ऑन द सरफेस फॉर ब्रीथिंग एंड दीज एनिमल दे दर्ज दैम विद द हापून और स्पीयर तो ये बहुत घंटों तक वेट करते रहते हैं कि कोई भी सील या वॉल्सर या फिश सांस लेने के लिए बर्फ से ऊपर आएगा और उसको वो हंट कर लेते हैं द मीट ऑफ एनिमल इज द स्टेपल फूड ऑफ द एस्कीमोज एंड बल्बर फैट इज यूज एज अ फ्यूल एनिमल टेंडेंट एंड बोन्स आर यूज टू मेक नीडल्स थ्रेड एंड हर्पून हैड द स्किन ऑफ द एनिमल इज़ यूज टू मेक बोट्स एंड टेंट्स और जो स्टेपल फूड क्या है यहाँ का इसकी मोज का ये है स्किन मीट ऑफ एनिमल और जो फैट है वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं और जो एनिमल की बोन है उनका वो नीडल थ्रेड और हरपून का हेड बनाने में यूज करते हैं नाउ मेजर सिटीज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गोदाम एंड इट पॉपेशन इंड सिटी इज न कैपिटल ऑफ ग्रीन लैंड जिसको अब नूक के नाम से जाना जाता है करीबन बारह हजार लोग यहाँ रहते हैं एंड हॉस्टनबॉर्ग इज द पोअर टाउन ऑफ ग्रीन लैंड तो यहाँ की दो मेजर सिटीज हैं ये एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल नाउ इन रिसेंट टाइम्स द लाइफ ऑफ एसकीमोज हैज ग्रेटली चेंज द नाउ Have very good facilities like school, shops, hospitals, clubs, and libraries. There is mandatory education for children up to 14 years. Fur farms have been established to breed animals. People now use motorized ledges called skidoos for transport guns and rifles are used in place of harpoons for hunting greenland has air connection also with the major cities of america and europe it is no longer an exclusive land greenland is developing with a great speed चेंजिंग लाइफ स्टाइल अब जो लाइफ स्टाइल है ग्रीन लैंड के लोगों का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है अब वो स्लेज़ की जगह क्या यूज़ करते, है? यूज करते हैं स्कीडूज यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं पढ़ाई के लिए शॉप्स हैं हॉस्पिटल्स हैं क्लब्स हैं लाइब्रेरीज हैं और चौदह साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से एजुकेशन भी है ओके और यहाँ के जो लोग हैं अब हरपूंस की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं गन्स और राइफल्स यूज़ करने लगे हैं हंटिंग के लिए और ग्रीनलैंड जो है वो एयरवे से भी कनेक्टेड है अमेरिका एंड यूरोप से अभी एक्सक्लूसिव लैंड नहीं रही है जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है यहां पर इजीली पहुंचा जा सकता है और ग्रीनलैंड बहुत जल्दी बहुत ग्रेट स्पीड से डेवलप हो रहा है नीवाइज द चैप्टर द लार्जेस्ट आईलैंड इन दर्ल्ड इज ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड इज अ पोर्शन ऑफ डेनमार्क डेनमार्क का ही एक पोर्शन है ग्रीनलैंड द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड एकरोस द ईयर पूरे साल कैसा क्लाइमेट रहता है यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कोल्ड द एस्कीमोज और इनोएट्स वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको एस्कीमोज कहते हैं या इनोएट्स कहते हैं रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन ग्रीनलैंड सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल कौन सा है वहां रेंडियर द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नूक एंड नूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे